प्रेस द बेल आइकन फॉर ऑल द अपडेट्स। सो हाय फ्रेंड्स, नेहा वापस आ चुकी है और हमेशा लोगों को यही लगता है कि लड़कियां अपने आप का सबसे ज्यादा ध्यान रखती हैं, मतलब सलून जाना हो, पार्लर जाना हो या खुद का ध्यान रखना हो, सिर्फ लड़कियां करती हैं। ये सब झूठी बात है यार, यहाँ पे लड़के भी जमकर अपना ध्यान रखते हैं। और आज ऐसे ही रिश्तों के चक्रव्यूह से निकल कर हमारे साथ यहाँ पर आपके हैंडसम अंकित यहाँ पर मेरे साथ है। अंकित, सबसे पहले तो लोगों का हमेशा एक दिमाग में रहता है लड़कियाँ बड़ी सजने संवरने अपना ध्यान रखते हैं, वैसे अंकित कितना ध्यान रखते हैं अपना? सजना संवरना तो नहीं बोलूँगा, लेकिन अपना बेसिक केयर सबको रखना चाहिए, सबको अपना ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि हम लोग एक्टिंग ऐसी फील्ड है, हम लोग बाहर शूट करते हैं, आउटडोर करते हैं और बहुत ज़्यादा लाइट्स फेस करते हैं दिन भर। सो इट बिकम्स अ नेसेसिटी कि आपको अपनी स्किन का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, अपने फेस का, बिकॉज दैट्स योर वर्क, दैट्स अ पार्ट ऑफ द जॉब। ऐसा नहीं है कि शौक में लोग करते हैं, शौक होता है सबको, लेकिन अब ये ज़रूरत बन गई है। बचपन से लेकर अभी तक मैं इतना ध्यान नहीं रखता था, खेलता था, कूदता था कि चलो यार जो हो रहा है स्किन पे होने दो, मुंह धो लिया ठीक है, बट नाउ इट्स इवन गुड टू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, मतलब सभी को अपना ध्यान रखना चाहिए। तो आज हम यहाँ पर आए हैं, वी आर एट क्यूटस स्किन सॉल्यूशन, और अपने चेहरे पर मैं एक ट्रीटमेंट कराने वाला हूँ, एक बेसिक क्लीन अप जिसकी बहुत ज़रूरत है, क्योंकि कुछ दिन पहले से हम कुछ आउटडोर शूट कर रहे थे, बस के ऊपर काफ़ी कुछ हमने शूट किया, तो धूल मिट्टी धूप ये सब झेलने के बाद स्किन को और अपनी बॉडी को रिलैक्सेशन देना बहुत ज़रूरी है। सो एवरीबॉडी शुड गो फॉर बेसिक मसाजेज और अपनी स्किन का ध्यान रखने के लिए ये सब सबको करना चाहिए। डीटैन योर सेल्फ और अच्छे फ्रूट्स खाइए, अच्छा पानी पीजिए, खूब सारा खाइए, अच्छे से न्यूट्रिशियस खाना खाइए, तो आप अंदर से भी ग्लो करेंगे, लेकिन बाहर से भी क्लीन अप कराना बहुत ज़रूरी है। तो सजना धजना नहीं कहूँगा, इट्स अ नेसेसिटी। ओके, तो जैसे हम कह सकते हैं कि शुरुआत अंकित की हमारे जरिए ही हुई है, आई मीन टेली मसाला के जरिए हुई है, जहाँ पे अंकित अब अपना ध्यान जम के रखने वाले। सो अंकित पहले अंदर जाते हैं, डॉक्टर गोयल से मिलते हैं और उनसे जानते हैं कि आखिर वो आपके फेस के साथ आज क्या मैजिक करने वाले हैं। बिल्कुल, लेट्स गो इनसाइड, चलते हैं। सो बहुत कम चांस मिलता है यहाँ पर डॉक्टर गोयल को मैं जब कोई मेल एक्टर लेकर यहाँ पर आती हूँ। सो डॉक्टर गोयल क्या आज एडवाइस देना चाहेंगी, क्योंकि ये जल्दी अपने हाथों को अपने फेस को किसी को हाथ लगाने नहीं देते हैं। ऐसा है क्या? मैं बहुत नेचुरल रखता हूँ, ट्राई करता हूँ कि जितना हो सके नेचुरल रहूँ, बेसिक फेस वॉश करता हूँ और ज़्यादा पानी पीने की कोशिश करता हूँ। हमें पता चला आप क्रिकेट में भी इंटरेस्ट रखते हैं, सो नेचुरली आपका एक्सपोजर धूप मिट्टी इन सबको होता है, तो आप कोई स्किन प्रोटेक्शन लेते हैं उस वक्त अंकित, कोई सनस्क्रीन कुछ? स्किन प्रोटेक्शन के नाम पे मैं, जैसे मैंने बोला, मैं सिर्फ ज़्यादातर फेस वॉश ही यूज़ करता हूँ, कभी कभी सनस्क्रीन लगाता हूँ, कभी बहुत धूप में बाहर शूट करना हो या खेलने जाना हो। क्रिकेट हाँ मेरा इंटरेस्ट है, लेकिन मैं ज़्यादातर वॉलीबॉल खेलता हूँ, वॉलीबॉल और बास्केटबॉल, तो ज़्यादा धूल मिट्टी और धूप में ही रहने की आदत है मुझे बचपन से। पर अभी मुझे लगता है, जैसे आप समझा रही हैं, कि स्किन का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, तो आप बताइए मुझे क्या करना चाहिए इसके लिए। देखिए, बॉम्बे में पॉल्यूशन की तो कमी नहीं है, धूल मिट्टी की भी कमी नहीं है, यू नो, तो आपको थोड़ी सी स्किन के लिए, अगर आप स्किन देखें क्लोजली, वैसे यू हैव अ वेरी गुड स्किन, बट कंसिडरिंग योर एज दिस इज द स्किन वी एक्सपेक्ट, लेकिन इसके लिए थोड़ा सा एक्सफोलिएशन, थोड़ा सा आप देखिए, थोड़े थोड़े वाइट हेड्स, ब्लैक हेड्स हैं, मीलिया हैं, क्योंकि यू नो कॉन्स्टेंटली आप कैमरा फेस करते हैं, यू नो, तो आई थिंक थोड़ा सा एक्सफोलिएशन चाहिए फिलहाल स्किन को, थोड़ा हाइड्रेशन। तो हम करना चाहेंगे आज एक्सफोलिएशन एंड हाइड्रेशन, जिसे वी कॉल इट अ क्यूटिस सिग्नेचर ट्रीटमेंट फॉर यू, इट विल टेक अस एन आवर बाय द क्लॉक। तो अभी मैंने अपने आप को सौंप दिया, जैसा मैम करेंगी मैं आई विल गो विद हर। एब्सोल्युटली, सो यू आर वेलकम, सो वी स्टार्ट योर ट्रीटमेंट। फॉर श्योर, कम टेली मसाला। सबसे पहले तो मैं बहुत ज़्यादा थैंक यू बोलना चाहूँगा टेली मसाला को और क्यूटस स्किन केयर क्लिनिक को कि मुझे इस चीज़ से इंट्रोड्यूस कराया। मतलब अभी आफ्टर दिस सेशन बहुत ज़्यादा रिजुविनेटेड फील कर रही है मेरी स्किन, और मैं एक्चुअली फील कर सकता हूँ जो हाइड्रेशन की जो बातें होती हैं कि जो ज़रूरी है चीज़ें, हमने इस सेशन से पहले बातें की थी, मैंने बोला था कि मैं पानी पीता हूँ, फ्रूट्स खाता हूँ, ध्यान रखता हूँ स्किन का, मुंह धोता हूँ टाइम पर उसके अलावा ये सब चीज़ें कितनी ज़रूरी हैं। आई कैन एक्चुअली फील द डिफरेंस
एंड इट्स नॉट अबाउट, ये नहीं है कि आपको ब्यूटीफाई करना है अपना फेस या फिर ब्यूटिफिकेशन के लिए, इट्स अबाउट द जनरल हेल्थ, आपकी स्किन की भी हेल्थ होती है, उसका ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। तो टेली मसाला के साथ ये मेरा पहला एक्सपीरियंस बहुत 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 ज़्यादा अच्छा रहा। अच्छा अंकित, जैसे अब हम मैं सब जानते हैं मेरे सलून में हमेशा एक जर्नी के बारे में बात होती है, तो अंकित क्यों सोचा, कैसे सोचा और कब सोचा इस फील्ड में आने के लिए? हाँ, आपको ये लगा कि अब मुझे एक्टिंग करना है और एक्टर बनना है? हाँ यार, सभी की तरह मैंने भी बहुत सारी चीज़ें सोची थी लाइफ में। बचपन में एयरफोर्स में जाने का मन था मेरा, तो मैंने उसके हिसाब से साइंस ली, उसकी तैयारी की, लेकिन करते करते मुझे लगा कि यार मैथ्स वगैरह सब मुझसे नहीं होगा, वो धीरे धीरे दिमाग से निकल गया। स्पोर्ट्स में था मैं, यूनिवर्सिटी और नेशनल तक मैंने वॉलीबॉल खेला है, तो बीच में मन बना कि स्पोर्ट्स में जाऊँगा खेलूँगा, फिर वो भी निकल गया अंदर से धीरे धीरे। ग्रेजुएशन करते हुए DU से, वहाँ पे कुछ थिएटर के दोस्त बने मेरे, जिनके थ्रू मुझे पता लगा कि थिएटर की लाइफ क्या होती है। पहले मन था कि मॉडलिंग करूँगा, उसकी तैयारी शुरू कर दी थी, फिजिक वगैरह पे काम करना शुरू कर दिया था, मगर एक्टिंग की तरफ जो मेरा इंटेंशन था वो DU में आने के बाद हुआ, क्योंकि थिएटर के काफ़ी लोगों से मिला मैं। फिर MBA करते करते मैंने बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेट करना शुरू किया इन चीज़ों में, स्टेज करने लगा। कल्चरल्स में काफ़ी पहले से था, स्कूल के टाइम से था, डांसेस और छोटे मोटे प्लेस करना ये सब मैं पहले से ही करता था। बट देन आफ्टर कंप्लीटिंग माई एजुकेशन, तब मैंने डिसाइड किया कि यार सबसे पहले मैंने अपना ब्लॉकेज बनाया कि मैंने एक फॉर्म भर दिया था MBA करते कि मुझे जॉब नहीं चाहिए। तो अगर मैंने वो फॉर्म भरा तो उसने मेरे रास्ते रोक दिए कि अब मुझे कुछ नहीं करना, सिर्फ एक्टिंग करनी है। दैट वॉज नेसेसरी एट दैट टाइम। तो फिर मैं मुंबई शिफ्ट हुआ पढ़ाई खत्म करने के बाद, 4 साल हो गए इस बात को। यहाँ पे आने के बाद जॉब की, जॉब करते करते साथ ऑडिशन देता था, धीरे धीरे जाना कि क्या मार्केट है, कैसे काम होता है, कैसे नहीं होता है। होते होते AD बन गया। AD बना तो फिल्म मेकिंग सीखी पूरी, स्टार्टिंग फ्रॉम द स्क्रैच, जब स्क्रिप्ट राइटिंग से लेकर पोस्ट प्रोडक्शन से लेकर क्या सब होता है वो सब जाना, और धीरे धीरे होते होते चीज़ें क्लिक हो गई। अच्छा अंकित, जैसे पहला शो चक्रव्यूह जैसे लोग जानते हैं, उससे एक अलग ही नाम मिला, एक अलग पहचान मिली आपको, पहला रोल कब मिला, कौन सा मिला, और पहले जब आपने कैमरा फेस किया कितने नर्वस थे या एकदम ठीक है मैं कर लूंगा? सबसे पहले मैंने कैमरा फेस किया था 2014 में, एक ऐड किया था मैंने, छोटा सा ही ऐड था, 2-3 सेकंड के लिए आता हूँ उसमें TV पे, तो सबसे पहले तभी किया था। तो तब भी मैं नर्वस था क्योंकि फर्स्ट टाइम इतना बड़ा कैमरा देखा था, लाइट्स वगैरह क्या क्या होता है पता नहीं। उसके अलावा मैंने कुछ TV कमर्शियल्स किए हैं, तो दैट्स अ डिफरेंट सिनेरियो ऑल टुगेदर। मतलब कमर्शियल्स में आपको इतना ज़्यादा इट्स अ डिफरेंट थिंग रादर दैन एक्टिंग ऑन TV और ऑन इन मूवीज़। तो जब ये क्लियर हुआ मेरा, अधिराज का जो कैरेक्टर मैंने प्ले किया है रिश्तों का चक्रव्यूह में, ये लास्ट ईयर मार्च में मैंने ऑडिशन दिया था इसका। ऑडिशन में बहुत कैजुअली दिया था, उससे पहले ही मैं बेड रेस्ट पे से उठकर आया था, मैं 3 महीने के बेड रेस्ट पे था, मेरी सर्जरी हुई थी घुटनों की। तो मैं वापस आया तो आई जस्ट वेंट फॉर अ प्रैक्टिस सेशन कि यार चलो यार एक ऑडिशन दे देते हैं, 3-4 महीने से कैमरा फेस नहीं किया, जैकेट डाली और चला गया ऑडिशन देने के लिए। ऑडिशन दिया, रात को पता लगा कि यार वो पसंद आ गया लोगों को, स्टार का शो है, मुझे पता भी नहीं था कि लीड के लिए है, क्या कैरेक्टर है। आई जस्ट वेंट देयर एज अ CBI ऑफिसर, मैंने अपना ऑडिशन दिया और मैं बहुत कैजुअली वापस आ गया था। एंड देन अधिराज हैपेंड टू मी। चक्रव्यूह का तो पहला दिन था, बनारस में हम लोग शूट कर रहे थे और एक कोर्टयार्ड में हम लोग शूट कर रहे थे, बिल्कुल बीचों बीच बैठा हुआ, सामने कैमरा लगा हुआ है, और इट वॉज ऑडिशन के 2 दिन बाद का ही था, आई वॉजन मेंटली प्रिपेयर फॉर इट। सारा क्रू का, सब लोग चारों तरफ खड़े हुए देख रहे हैं कि यार ये हीरो है शो का, अब ये परफॉर्म करने वाला है। तो वो जो प्रेशर था, मतलब दैट हैपन टू मी फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, कि मैं कम्प्लीटली ब्लैंक हो गया था, मुझे समझ नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है अभी मेरे साथ। बहुत कुछ किया यार, इतना खेला कूदा, स्टेज किया, पढ़ाई लिखाई सब कुछ किया, लेकिन वो जो एक्सपीरियंस था वो लाइफ टाइम एक्सपीरियंस था। मैं चाहता हूँ कि सबको होना चाहिए वो, कि ब्लैंक होना क्या होता है, कि आपको परफॉर्म करना है और इतना भयंकर प्रेशर है आपके ऊपर, एंड यू नेवर एक्सपेक्टेड दैट कि आप ब्लैंक हो जाओगे। तो वहाँ से कोप अप करना, वो दिन ख़राब हुआ, नेक्स्ट डे आई परफॉर्म बेटर, धीरे धीरे होते होते फिर कुछ टाइम का गैप मिला, जिस दौरान मैंने तैयार किया अपना कैरेक्टर पूरा, कि क्या करना है, किस तरह से बात करेगा, क्योंकि बाकी सारे दिग्गज एक्टर्स हैं यार पूरे शो में, तो उन सबके सामने परफॉर्म करना, उन सबके साथ इट्स आई ट्रीट इट लाइक अ स्पोर्ट, ये खेल की तरह है कि इट्स ऑलवेज गिव एंड टेक स्क्रीन पे। तो उन सबके लिए तैयार रहना, नॉट अ कॉम्पिटिशन, इन अ हेल्दी वे, कि उन सबको फेस करना, क्योंकि इट्स माई फर्स्ट शो एंड दे ऑल ऑफ देम हैव बीन एक्टिंग फॉर ईयर्स। तो उन सबके साथ रहना, शो को लेट डाउन ना करना कि मेरी वजह से उनके सीन्स ना खराब हो, तो वो एक प्रेशर कहीं ना कहीं एक न्यू कमर के लिए रहता है। तो उसकी तैयारी की मैंने धीरे धीरे, और
और पहला सीन नारायणी मैम के साथ था मेरा सेट पे आने के बाद. एवरीबडी सुपर सपोर्टिव, नारायणी मैम, अजय भैया, अंजू मैम, राम गोपाल सर, महिमा, वैष्णवी, पूनम, सृष्टि, एवरीबडी सुपर सपोर्टिव. तो उन सब की हेल्प से भूपिंदर सर जो हमारे प्रोड्यूसर हैं, ही इज़ एक्चुअली माई मेंटर. उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा तोड़ा था कि जब पहले दिन मैं परफॉर्म नहीं कर पाया था, ही वॉज द वन टू होल्ड माई नेक एंड जस्ट टेल मी कि वॉट यू आर डूइंग रॉन्ग और कहाँ से कॉन्फिडेंस लाना है, कहाँ पे बिल्डअप करनी है चीज़ें. तो आई ओ इट टू हिम. संजोत मैम, भूपी सर, दीज पीपल हैव सपोर्टेड मी ऑल द टाइम. अच्छा अंकित, जैसे आप कह रहे थे कि आपने इससे पहले बहुत कुछ सोचा था, मैं ये बनूंगा वो बनूंगा, पर रोल के जरिए एटलीस्ट आप वो सारी चीजों को जी सकते हैं उस वापस. पर अगर इसके बाद अगर आपको कोई शो अगर ऑफर हो तो वो किस तरह का कैरेक्टर आप चूज करना चाहेंगे अपनी लाइफ में जो आपके लिए काफी इंस्पायरिंग हो? ये जो कैरेक्टर अभी मुझे मिला है अधिराज का, इसमें मैंने काफ़ी सारे शेड्स प्ले किए हैं. मैंने काफ़ी अच्छे लेवल के एक्शन सीन्स किए हैं और रोमांस करने को मिल गया. एक बेटे का रोल प्ले कर रहा हूँ, भाई का, एक सीबीआई ऑफिसर का, फैमिलीज के साथ डील कर रहा हूँ, एक अमीर फैमिली के साथ जो बहुत पावरफुल फैमिली है. तो काफ़ी सारे शेड्स मुझे प्ले करने के लिए मिले इसमें. रिवेंज भी था मेरा एक पर्सनल. तो अभी मैं कभी कभी सोचता हूँ कि यार अब क्या, क्योंकि इतना कुछ इस शो ने दिया है. तो अभी मैं ये सोचता हूँ कि अगला कुछ भी मैं काम करूँगा वो इतना चैलेंजिंग तो होना चाहिए कि मैं जो अभी जितनी मैंने दीवार टाप ली है उससे ऊंची दीवार हो कम से कम. कि अगर इस रेंज के हल्का सा भी मुझे लगा कि यार मैं उतने एफर्ट्स नहीं लगा पा रहा हूँ, उतनी मेहनत नहीं कर पा रहा हूँ इस रोल को करने के लिए, तो वो मज़ा नहीं आएगा. तो अगला रोल जो भी मुझे मिलेगा मैं चाहता हूँ कि बहुत डिफ़िकल्ट हो, चाहे वो कुछ भी रोल हो लेकिन बहुत डिफ़िकल्ट हो, ताकि मैं अपने आप को फिर से तोड़ सकूँ और फिर से बना सकूँ. प्रोडक्ट्स हैं आपके लिए, आपकी स्किन केयर के लिए. थैंक यू सो मच. थैंक यू.